30 मार्च 2022 सिद्धू मूसेवाला ने वाजिर पत्थर के साथ अपने एक अपकमिंग ट्रैक की अनाउंसमेंट की जिसका नाम होने वाला था द लास्ट राइड। और साथ में सिद्धू मूसेवाला ने अपने इंस्टाग्राम पे इस ट्रैक के दो पोस्टर भी शेयर किए। सो ये ट्रैक का जो पोस्टर था वो सिद्धू मूसेवाला के बाकी ट्रैक से या फिर अगर हम इन जनरल भी बाकी पोस्टर से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। सो अगर तुम पहले पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो वहां पे एक काली कार लगी हुई है। एक्चुअली ये टूपाक की कार है जिसमें टूपाक को गोली मार दी गई थी और ये पिक्चर टूपाक के डेथ के बाद ली गई है। और अगर हम सेकंड पोस्टर पे नजर डालें तो ये जो पोस्टर है ये मोस्ट प्रोबेबली निप्सी हसल के डेथ सेरेमनी की टाइम की पिक्चर है। सो इस अनाउंसमेंट और पोस्टर ड्रॉप के कुछ दिन पहले ही हमें एक डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था सिद्धू मूसेवाला के साइड से जिसका नाम था फके मॉल। सो मुझे लग रहा था कि ये अगेन एक डिस्ट्रैक्ट होने वाला है बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली ये एक ट्रिब्यूट है टू टूपाक एंड निप्सी हसल लेजेंड्स हु डाइड यंग। और आज सिद्धू मूसेवाला और वाजिर पत्थर का ये ट्रैक ऑफिशियली रिलीज हो गया। सो इस गाने में और इस गाने के म्यूजिक वीडियो में बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं। जैसा मैंने बोला कि ये ट्रिब्यूट है टूपाक और निप्सी हसल के लिए, इसके अलावा इसमें तुम्हें NWA, स्नूप डॉग और वेस्ट कोस्ट हिप हॉप के बहुत सारे रेफरेंसेस भी देखने को मिल जाएंगे। द म्यूजिक वीडियो ऑफ दिस ट्रैक इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। और इस ट्रैक की म्यूजिक वीडियो में हमें एक कॉन्सेप्ट या फिर छोटी सी एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिलती है। सो इस वीडियो में हम सिद्धू मूसेवाला के इस ट्रैक जिसका नाम है द लास्ट राइड इसे रिव्यू करेंगे और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। इसके साथ साथ इस गाने में बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स है जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा तो हम उसके ऊपर भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। इस गाने का म्यूजिक वीडियो कैसा है, इस गाने की बीट कैसी है, सिद्धू मूसेवाला का लिरिक्स कैसा है, इस गाने के पीछे क्या मैसेज है, हम सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। गैंगस्टर वाइब चाहिए छोटे तू आके मिल, रैबिम का कसाब सब कुछ करा है हासिल, किसी को कुछ बोल के ना बनोगे काबिल, किसी को कुछ बोल के ना बनोगे काबिल, एक जिंदगी शुरुआत है एक बात। एंटरटेन होके जाओगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। सो आर्टिस्ट का नाम है सीवम जैक्स और गाने का नाम है स्नेक। सो भाई ने एक बहुत ही क्रेजी ड्रिल ट्रैक बनाया है, मुझे भाई का काम बहुत सही लगा तो मैंने भाई के इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना, तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। सो भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, जाओ भाई का गाना चेक करो, भाई को फीडबैक दो, भाई मोटिवेट होंगे और फ्यूचर में और भी ट्रैक्स निकालेंगे। Okay, let's now come back to the video and let's straight start with the review of the track. So, अगर तुम इस गाने का description check करोगे, तो इस गाने का जो music video है, वो बनाया है गुरजन पनी सर ने। और अगर तुम वाजिर पत्थर के गाने सुनते हो और अगर नहीं भी सुनते हो तो इस वीडियो के बाद जरूर जाके चेक करना, बहुत ही क्रेजी ट्रैक होते हैं उनके। सो वाजिर के जितने भी म्यूजिक वीडियो है वो गुरजन पनी सर ही डायरेक्ट करते हैं और इनके डायरेक्शन में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि इनके म्यूजिक वीडियो हमेशा ही ब्लैक एंड व्हाइट थीम फॉलो करते हैं। सो हमें सेम द लास्ट राइड में भी वही ब्लैक एंड व्हाइट थीम देखने को मिलती है। सो जैसे ही ये गाना स्टार्ट होता है, अगर तुम हेडफोन लगा के ये म्यूजिक वीडियो देख रहे होगे, सो तुम्हें बैकग्राउंड में एक चॉपर की आवाज आएगी और न्यूज रिपोर्टर की भी साउंड सुनने को मिलेगी। So, जैसा इस ट्रैक का थीम है द लास्ट राइड, सो मोस्ट प्रोबेबली किसी रैपर के डेथ के बाद की जो न्यूज है उसे यहाँ पे यूज किया गया है। और अगर तुम वीडियो में ध्यान दोगे तो वहां पे हमें LA फ्यूनरल सर्विस की वैन दिखाई जाती है। सो ये जो वैन है, जब हम इस गाने का कोरस डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये जो वैन है इस ट्रैक के कोरस के लिरिक्स के साथ फिट बैठेगा। सो उसके बाद बीट स्टार्ट होता है और सिद्धू मूसेवाला का वर्स सुनने को मिलता है। अगर तुम बीट पे ध्यान दोगे तो वाजिर ने बिल्कुल वेस्ट कोस्ट वाली वाइब की बीट बनाई है। और अगर तुम डॉक्टर ड्रे या फिर स्नूप डॉग या फिर किसी और वेस्ट कोस्ट रैपर के पुराने ट्रैक सुनोगे तो तुम्हें उस ट्रैक की बीट में बिल्कुल ऐसे ही वाइब देखने को मिलेगी। सो अगर हम लिरिक्स में ध्यान दें तो सिद्धू मूसेवाला बोल रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला की जितनी उम्र है उनकी रुतबा उनसे बहुत ज्यादा है और वो बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और उसके बाद हमें इस गाने का हुक लाइन सुनने को मिलता है।
So, अगर हम कोरस की लिरिक्स को देखें तो सिद्धू मूसेवाला बोल रहे हैं कि he is still young, he has charm in his face, पर उनकी डेथ जो है वो यंग एज में हो जाएगी और यहाँ पे वो रेफर कर रहे हैं टूपाक और निप्सी हसल को जिनकी डेथ यंग एज में ही हो गई थी। एंड अगेन अगर तुम वीडियो में ध्यान दोगे तो जो फ्यूनरल वैन था उसको एक बंदा चला रहा होता है जिसने ब्लैक मास्क लगा रखी है, विच इज अगेन अ रेफरेंस ऐसे बहुत सारे रैपर्स या फिर लेजेंड्स की यंग एज में ही डेथ हो जाती है। और अगर तुम इस गाने के बीट पे ध्यान दोगे तो जो वाजिर ने पियानो यूज किया है वो बहुत सही साउंड कर रहा होता है और बिल्कुल वेस्ट कोस्ट हिप हॉप वाली वाइब आ रही होती है इस बीट से। और उसके बाद इस गाने की मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन हमें सिद्धू मूसेवाला के साइड से सुनने को मिलती है। So in brief, यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ये बोल रहे हैं कि जब लोग चलते हैं, like जब कॉमन लोग रास्ते पे चलते हैं तो उनके पैरों के प्रिंट जमीन पे बनते हैं, पर जब सिद्धू मूसेवाला चलते हैं तो वो रास्ते बनाते हैं। एंड अगेन अगर तुम वीडियो में ध्यान दोगे तो हमें जूते में निप्सी हसल का पिक्चर दिखाया जाता है और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, दिस सॉन्ग इज ए ट्रिब्यूट टू निप्सी हसल एंड टूपाक। और इसके बाद फिर से हमें हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन अगेन हमें कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन सुनने को मिलते हैं सिद्धू मूसेवाला के साइड से। सिद्धू मूसेवाला यहाँ पे बोलते हैं कि लोग तरक्की तो बहुत कर लेते हैं, लाइक लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, पर वो महान नहीं बन पाते हैं, वो लेजेंड्स नहीं बन पाते हैं। और उसी टाइम पे हमें टूपाक की फोटो भी दिखाई जाती है, सो यहाँ पे वो टूपाक को रेफर कर रहे हैं और साथ में अपने आप को भी रेफर कर रहे हैं। और सिद्धू मूसेवाला साथ में ये भी बोलते हैं कि कैसे उन्होंने रिचुअल्स या फिर ट्रेंड को चेंज किया है। और उसके बाद फिर से हमें हुक पार्ट सुनने को मिलता है और उसके बाद एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला ये बोलते हैं कि जब सिद्धू मूसेवाला हारते हैं तो उसकी जो चर्चे है वो उनके जीत से भी ज्यादा होते हैं। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाला एक्चुअली क्या चीज है। और उसके बाद फिर से हमें हुक लाइन सुनने को मिलती है और अगर तुम वीडियो में ध्यान दोगे तो हमें दो चीज वीडियो में रेगुलर इंटरवल पे दिखाया जा रहा है। एक तो है सिद्धू मूसेवाला के पीछे किसी बंदे की बॉडी जल रही होती है और दूसरा जो मैंने इसके पहले भी बताया था कि एक बंदा एक बॉडी को कैस्केट में वैन पे कैरी करके ले जा रहा है। सो दीज थिंग्स आर अगेन कनेक्टेड टू द टाइटल ऑफ द ट्रैक द लास्ट राइड। और इसके बाद हमें सिद्धू मूसेवाला का अगला वर्स सुनने को मिलता है एंड देन कम्स अ पार्ट जहां पे सिद्धू मूसेवाला अपनी पेंडेंट दिखाते हैं जहां पे उनकी माँ और उनके पिताजी की फोटो बनी होती है, जो मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगती है। लाइक अगर हम हिप हॉप आर्टिस्ट को देखें तो वो मोस्टली पेंडेंट पहना करते हैं, बड़े बड़े पेंडेंट पहनते हैं, बट इस टाइप का पेंडेंट मैंने आज तक किसी भी हिप हॉप आर्टिस्ट को पहने हुए नहीं देखा है। और उसके बाद हमें वाजिर पत्थर का एक फ्रेम दिखाया जाता है जहां पे उन्होंने NWA की हुडी पहनी हुई रहती है और हाथ में उनके स्नूप डॉग का टी शर्ट होता है। सो अगर तुम्हें NWA के बारे में पता नहीं है तो NWA एक हिप हॉप क्रू था जिसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता था और ये क्रू जो था ये वेस्ट कोस्ट से ही बिलोंग करता था और साथ में स्नूप डॉग इज आल्सो फ्रॉम वेस्ट कोस्ट। सो हमें इसमें वेस्ट कोस्ट रेफरेंस देखने को मिल रहे हैं और पूरे गाने में और इस बीट में भी हमें वेस्ट कोस्ट हिप हॉप की वाइब देखने को मिली है। सो उसके बाद कोरस खत्म होता है और कोरस या फिर हुक खत्म होने के बाद हमें अगला वर्स सुनने को मिलता है और इस गाने की वर्स जो है बहुत छोटी है, सो हुक हमें बहुत बार इस गाने में सुनने को मिला है। सो उसके बाद एक लाइन आती है जो मुझे बहुत ही सही लगी जहां पे सिद्धू मूसेवाला ये बोलते हैं कि जो लोग तरक्की कर लेते हैं या फिर जो लोग फेमस हो जाते हैं उनकी लाइफ गिनती की ही बची हुई होती है क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं, अगेन रेफरिंग टू टूपाक एंड निप्सी हसल। और उसके बाद अगेन बहुत सही लाइन आती है जहां पे सिद्धू मूसेवाला ये बोलती है कि मौत जो है वो उनकी गर्लफ्रेंड के जैसी उनकी वेट कर रही है और वो कभी भी उनके दरवाजे पे आके नॉक कर सकती है। और उसके बाद फिर हमें इस गाने का हुक लाइन सुनने को मिलता है। तो उसके बाद अगला वर्स स्टार्ट होता है और सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं कि लोग उनके खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अपने गाने में बहुत ही ज्यादा सच बोलते हैं। एंड देन ही सेज कि बहुत सारे राइटर्स होते हैं वो किस्से कहानियां या फिर फ्रिक्शनल स्टोरीज लिखते हैं, पर सिद्धू मूसेवाला अपनी जिंदगी की कहानी, अपनी जिंदगी की सच्चाई अपने गाने में लिखते हैं। और इन द लास्ट सिद्धू मूसेवाला ये बोलते हैं कि वो जीते जीते ही अमर हो गए हैं, बहुत सारे सिंगर हमें देखने को मिले हैं, वो आए और गए पर उनके जैसा कोई नहीं है। उसके
बाद फिर से हमें इस गाने का हुक सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। और लास्ट में सिद्धू मूसे वाला हैप्पी बर्थडे मामा मेंशन करते हैं क्योंकि आज सिद्धू मूसे वाला की माँ का जन्मदिन भी है। सो हम लोगों ने इस ट्रैक के ऊपर ब्रीफली डिस्कस कर लिया, अब हम इस गाने के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर आते हैं। सो अगर हम इस ट्रैक की बीट की बात करें, वाजिर पत्थर डिड रियली गुड जॉब विद द बीट। तो जैसा मैंने पहले भी बोला, वेस्ट कोस्ट वाइब है बीट में। मुझे इस बीट में जो पियानो यूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बीट बहुत ही ज्यादा ग्रूवी है, बहुत ही ज्यादा बाउंसी है, थोड़ी बूम बैप वाइब भी है बीट में। और ओवरऑल वाजिर पत्थर का काम मुझे बहुत ही सही लगा अगर हम बीट प्रोडक्शन की बात करें तो। लेट्स नाउ कम टू द वीडियो जो बनाया गुरजंत पनीसर ने। और मैंने तुम लोग को इसके पहले बताया कि वाजिर के कुछ गाने की म्यूजिक वीडियो उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्ट कर रखे हैं। उसमें से एक जो मेरा फेवरेट है वो है नोटोरियस। वो गाना जो है एक्चुअली इंडिया पंजाब में शूट हुआ है। और लाइक अगर तुम उस गाने का म्यूजिक वीडियो देखोगे तो देख के ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो इंडिया में शूट हुआ है। बहुत ही अच्छे से म्यूजिक वीडियो शूट किया गया है। और अगर हम इस म्यूजिक वीडियो की बात करें तो इसमें भी गुरजंत भाई ने बहुत सही काम किया। ही डिड अ रियली गुड जॉब विद द वीडियो। और जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम है वो भी इस वीडियो के साथ प्रॉपरली जारी थी। सो अब हम आते हैं सिद्धू मूसेवाला में। तो सिद्धू मूसेवाला बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है टूपाक और निप्सी हसल से। एंड दिस ट्रैक इज अ ट्रिब्यूट टू देम। और इस ट्रैक की मेरे हिसाब से जो अल्टीमेट मैसेज है वो ये है कि डेथ जो है वो कभी भी आ सकती है। जैसे बहुत सारे रैपर्स है वो यंग एज में ही मर जाते हैं। और कोई भी बंदा लेजेंड अपने उम्र से नहीं बनता है, पैसों से नहीं बनता है। वो तब लेजेंड बनता है व्हेन ही इज अ ग्रेट पर्सन, उसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया हो। फॉर एग्जाम्पल टूपाक, निप्सी हसल, बिगी and many others। और यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला अपने आप को भी उसी कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला is still young, और अगर उनकी डेथ हो जाती है, he will die as a legend। और जब ये ट्रैक मैं सुन रहा था तो मुझे MGK का एक ट्रैक है 27, उसकी याद आ रही थी। उसकी कुछ लिरिक्स ऐसी है, अभी मैं प्ले कर दूंगा। और उसमें भी काइंड ऑफ इसी टाइप का मैसेज MGK ने हमें दिया है। 27, So let's now come back to the last ride। So सिद्धू मूसेवाला ने इस ट्रैक की लिरिक्स बहुत ही अच्छी लिखी है, बहुत ही डीप मैसेजेस है। और इस वीडियो में ऑलरेडी जो लाइंस मैंने एक्सप्लेन की है वो लाइंस मुझे बहुत सही लगी। और उस लाइन के पीछे कुछ बहुत ही डीप मैसेज भी है। So ये गाना प्रूव करता है कि जब सिद्धू मूसेवाला गाने लिखते हैं, हाउ गुड ही इज विथ हिज राइटिंग। ही डिड अ वेरी गुड जॉब, बहुत ही अच्छे से गाना लिखा गया था। और मुझे सिद्धू मूसेवाला का ओवरऑल काम इस गाने में बहुत ही सही लगा। सो अगर हम इन लास्ट ओवरऑल ट्रैक की बात करें, द ट्रैक वाज रियली गुड विद अ मीनिंगफुल एंड डीप मैसेज। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज माय रिव्यू ऑन द लास्ट राइड बाय सिद्धू मूसेवाला। सो तुम लोग अपने रिव्यूज कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो कि तुम्हारे हिसाब से ये ट्रैक तुम लोगों को कैसा लगा। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। और हमें बहुत ही जल्दी अपने सेकंड चैनल पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो सेकंड चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं फनी वीडियोस डालता हूं, लाइक क्रेजी वीडियोस डालता हूं, तो वो चैनल भी जरूर चेक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई मीम रिव्यू या फिर ओमेगल वीडियो बहुत ही जल्दी चैनल पे डालने वाला हूं। और अगर तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर तुम मेरा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भी तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता। साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।